के नाज़रीन को खोकर का सलाम पहुंचे नाजरीन आज मैं आप का प्रोग्राम आज का ये शुरू करने से पहले एक दुआ करना चाहता हूँ कि कुल कायनात के जो तू जो हमारे इरादों को ख्यालों को जानता है आज हमें ये तफीक दे कि हम दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा कर सकें एक दूसरे के लिए रास्ते हमार कर सकें और एक दूसरे को बेहतर तरीके से आसानी से रास्ता दें नाजर आज का जो प्रोग्राम हम कर रहे हैं ये ख़ास प्रोग्राम है और एक ऐसी शख्सियत को डब्यूट पेश करने जा रहे हैं जो पाकिस्तान के एक छोटे से शहर गुजरन हवाला से एक नौजवान उठा और वो इंग्लैंड के शहर में गया एक बड़े मुल्क में गया ये दुनिया का एक बहुत बड़ा मुल्क है और वहाँ पर उसने अपना एक नाम पैदा किया और वो एक मसीह कौम के लिए एक फ़ख्र था कि उसने एक नाम पैदा किया वहाँ जा के और बहुत सारी बातें तो हमारे साथ मेहमान हैं उनके साथ हम करेंगे लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये मेरे ख़्याल में कि ऐसी शख्सियत जो है उन्हें हमें एक्नॉलेज करना चाहिए जो मसीहत से उठे एक छोटी जगह से उठे और दुनिया के बहुत मुल्कों बड़े बड़े मुल्कों में जाके अपना नाम पैदा करें तो मेरा मुराद डॉक्टर जेम शेरा साहब के है आ, उनको बड़ा नाम खुदा ने दिया उनको बड़ी शख्सियती बहुत बड़ी थी और आज उनको ट्रब्यूट पेश करने के लिए हम यहाँ पे बैठे हैं और उसकी ज़िंदगी पे उनकी सारी जो एफर्ट्स हैं उनकी जो मसीही कौम के लिए खदमात है उन पर हम आज गौरव करेंगे नाजन आज हमारे साथ इस सिलसिले में हमारे मेहमान एक कराची से जो तशरीफ़ लाए हैं मोरज साहब और वो उनका मैं इंट्रोडक्शन भी करवा दूं कि मौर्य साहब एक वहां पे टीवी चैनल को चलाते हैं मास्टर टीवी को और वो एक्सप्रेस न्यूज़ में एक कॉलम निगार भी हैं और एक्सप्रेस न्यूज़ आपको पता है कि एक अखबार एक्सप्रेस अखबार जो है वो एक बहुत बड़ा अखबार है पाकिस्तान का इस वक्त सेकंड नंबर पे एक न्यूज़पेपर है तो आज हमारे लिए इंतहाई खुशी का मुकाम है और बड़ी ऑनर की बात है कि हमारे पास जो कराची से हमारे मेहमान आया मोर्ज साहब रियाज मोर्य साहब आज हम आपको नेशनल न्यूज़नामा के स्टूडियो में वेलकम करते हैं और इंतहाई खुश हैं कि आज हम एक खास मौजू पे बात करेंगे जी मैं आपका बहुत मशहूर हूँ आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ आपने मुझे मधु किया और खास तौर पर हम डॉक्टर जेम शेरा की जिंदगी और उनकी ख़िदमत पर बात करेंगे तो मेरे लिए एक एजाज़ है मैं आपका मशहूर हूँ अच्छा यह सब हम शुरू कर यहाँ से करते हैं कि जेम शेरा साहब ने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं और ख़ास तौर तो पर पाकिस्तान में भी किए हैं उन्होंने बरतानिया में भी रहते हुए किए हैं लेकिन मैं आपसे एक सवाल ये करना चाहता हूं कि कोई एजुकेशन के मतलब बताएं कि पाकिस्तान में इंग्लैंड में रहते हुए उन्होंने पाकिस्तान में आ, क्या किया एजुकेशन के लिए ख़ास तौर पर मजहि कौम के लिए कोई उनका को ख़ास चीज़ बताएं कि जो उन्होंने फ्रंट लाइन पर आके या बैकडोर डिप्लोमेसी पे भे, भे, भी काम किया कोई ऐसा कोई उनके इस चीज़ पे आप पहले रोशन डाले जी बहुत शुक्रिया आपने ये ज़बरदस्त सवाल किया सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि मेरा उनके साथ कैसा जो है वो तलब हुआ कैसे हुआ और आज मैं जो गुफ्तू कर रहा हूँ किस कॉन्टेक्स में कर रहा हूँ मैं आपने जैसे जिक्र किया मेरे इंट्रोडक्शन में एक्सप्रेस में मैं लिखता हूँ तो मैं संडे मैगजीन में शख्सियात के मुख्तु इंटरव्यूज़ करता था तो मेरी ख्वाहिश थी कि मैं क्रिश्चियन कम्युनिटी के उन हीरोज के बारे में लिखूं जिन्होंने ना सिर्फ अपनी कम्युनिटी के लिए बल्कि कौमी सतह बल्कि आलमी सतह पर काम किया है तो मुझे डॉक्टर जेम शेरा की शख्सियत जो है वो ऐसी लगी कि जो एक ऐसे पाकिस्तानी है ना सिर्फ बल्कि ऐसे पाकिस्तानी हैं जिनकी कहानी जो है वो आम लोगों तक पहुँचनी चाहिए तो इस सिलसिले में आज से कुछ डेढ़ पौने दो साल पहले मैंने उनसे रब्ता किया फ़र्स्ट टाइम मेरी उनसे गुफ्तु हुई जब मैंने उनसे कंपाइल करके आर्टिकल लिखा जब तो वो बहुत खुश हुए और उन्होंने मुझे बहुत मुबारकबाद दी और तब से मेरा उनके साथ एक सिलसिला जो है वो गुफ्तु का शुरू हुआ तो मैंने उन्हें कहा कि डॉक्टर साहब आपकी ज़िंदगी आपका जो एक्सपीरियंस है और काम है जो ना सिर्फ बल्कि एक कम्युनिटी के लिए कि आप एक छोटे से गांव से निकले और फिर आप इंग्लैंड में गए और वहाँ एक रग्बी के मेयर बने और आप वहाँ की जो सियासत है और एजुकेशन उसमें काम किया तो उसके लिए एक मिसाल है तो आपको जो है जो आपका एक्सपीरियंस है वो नौजवान नस्ल को इंस्पायर करने के लिए बहुत मस्बत रहेगा तो आपको किताब इस पर आपकी ज़िंदगी पर होनी चाहिए थी तो उन्होंने कहा कि आप ये काम क्यों नहीं शुरू करते तो मैंने कहा ज़रूर जो मैं इस सिलसिले में कर सका तो पिछले फिर एक डेढ़ साल से हमने उनकी ज़िंदगी पर एक किताब जो मैंने कंपाइल करना शुरू की और जो पिछली दफ़ा जब इस साल उनकी जब डेथ क्योंकि वाला में ही हुई जनवरी के महीने में और उससे पिछले साल जब वो आए थे तो मैं उनसे बाकायदा मिलने गया मैं आपको रोकता हूँ ये मुझे एक आजाज असल है कि उनकी डेड बॉडी जब वापस जा रही थी इंग्लैंड जा रही थी अदल हॉस्पिटल से तो मैं उस वक्त वहाँ पे अदल हॉस्पिटल में उनके अजीज़ हैं उनके कज़न है चौधरी नसीस नसीम साहब मैं उनके साथ वहाँ पे मौजूद था तो आ, ये भी एक मतलब की बात थी कि उनको आखिरी जो उनका दीदार था उनका किया यहाँ पे रहते हुए तो बिल्कुल वो तो उनसे मेरी जो पहली मुलाकात हुई बड़ी शफकत से मिले मुझे और मैंने फिर जो है वो उनसे ये सिलसिला शुरू किया मुख्तलिफ लोगों से जो उनके बारे में उनके ख्याल लिए और उससे पहले जो भी मुख्तु अखबार में उन पर आर्टिकल थे तो हमने कंपाइल किए और खुशकिस्मती से उस किताब का जो टाइटल है वो भी डिज़ाइन हो चुका था उन्होंने देख के पसंद भी कर लिया था और उसका जो फ़ाइनल मसवदा था वो इस दफ़ा जब वो पाकिस्तान आए थे तो मैंने उनसे मिलना और उन्हें दिखाना था लेकिन किस्मत को शायद ये मंजूर नहीं था कि वो हमारी मुलाकात से दो दिन पहले वो जो है इस जहाँ से रहलत कर गए तो जो आपने जिक्र किया कि डॉक्टर जेम्स शेरा क्योंकि देखें एक बुनियादी तौर पर वो पहले एक एजुकेशन से उन्होंने सिलसिला शुरू किया पढ़ने पढ़े और फिर एज़ अ उस्ताद उन्होंने बैरून मुल्क पढ़ाया तो तालीम उनके लिए हमेशा से एक एक अहम जो है वो नुकता रहा था और वो हमेशा यही कहते थे कि तालीम के बगैर आप इस माशरे में बल्कि दुनिया में भी कहीं पे भी काम नहीं कर सके तो इसलिए एज़ अ टीचर दैन फिर जब वो उसके बाद उनकी जो सारा काम है जो ख़िदमत है वो एक पॉलिटिकल जो लीडर हुई और वो सियासत में भी वहाँ की सियासत में और यहाँ शायद वो कम कंट्रीब्यूट कर पाए तो मेरे ख़्याल में उनका जो एजुकेशन के लिए कंसर्न था वो ऑल दो कि उस तरह से वो जिस उनका कंट्रीब्यूशन जैसे वो को अदारे बिल्ड करना या जो क्या कोई ऐसे एजुकेशन पॉलिसियाँ बनाना वो उसमें वो इतने मुतरक ना हो सके लेकिन उन्होंने एजुकेशन के लिए हमेशा जो एफ सी यूनिवर्सिटी है उनके साथ मिलकर काम किया और बहुत सारे जो मेरी गुफ्तु हुई और जिन लोगों से उन्होंने बात करवाई कि जो नेशनल हमारे हुए थे कौम गए थे तालीमी अदारे उनको वापस दिलाने में उनका बहुत कंट्रीब्यूशन है तो डॉक्टर जेम शेरा वो हमेशा से और बहुत लोगों को उन्होंने सपोर्ट किया और पर्टिकुलर उनका जो एक अहम जो काम था वो पाकिस्तान से गए हुए उन लोगों को बिला रंग नस्ल उनका कोई भी जात है किसी भी कम्युनिटी से उनको सपोर्ट करने के लिए वहाँ से ये बड़ा एक अहम बात है मेरी भी जब बात हुई उनके करीबी जराये से भी तो ये उसमें एक चीज़ आई कि वो कोई मज़हब की बात नहीं करते थे देखिए जनरल मसल की बात नहीं करते थे वो उन्होंने बहुत सारे लोगों को वहां पे सपोर्ट किया है यूके में उन्होंने बिल्कुल सही मैं देखिए एक बात अक्सर ये कहूंगा कि और ये कहता भी हूं कि डॉक्टर जेम्स शेरा का अगर आप कम्युनिटी तक محدود करें तो आप उनके कद काठ को उनकी शख्सियत को محدود वो एक ऐसे इंसान थे जो इन चीजों से بالاतर थे और मैंने आ, मेरी जो उनके साथ गुफ्तु हुई और जिन लोगों से उन्होंने गुफ्तगु करवाई वो शायद क्रिश्चियन कम्युनिटी से ज़्यादा काम उन्होंने दूसरे लोगों में काम किया और यही बात थी कि वो पाकिस्तान अगर डॉक्टर जेम शेरा को तीन वर्ड में डिस्क्राइब करना हो तो वो एक इंसान पाकिस्तानी और एजुकेशनिस्ट यह सब एक और बात जो मैंने डिस्कस करनी आपसे पूछनी है कि देखिए वो पोलिटिकली अब देखिए वो भी आप उस पे डिस, करेंगे अपने पोलिटिकली देखिए तो जो मेरा है जो इतना मैं जानता हूँ कि उन्हें ग्यारह दफा वो बने वहाँ पे कौन तो सा ये सोचता हूँ कि क्यों उनके यहाँ तो मसीह कौम या पाकिस्तान को भी अगर ले लें तो पाकिस्तान ने आगे चल के हम बात करें कि पाकिस्तान ने उन्हें उन्हें सतारा पाकिस्तान तो मिला लेकिन उस तरीके से उसको उनको जो शख्सियत थी जो उन्होंने काम किए थे वो हाईलाइटर या उस तरीके से किया किया नहीं किया। बिल्कुल आपने मैं आपकी इस बात से एग्री करता हूं और मुझे इस बात का पूरा एहसास है और मैंने जिस दिन उनकी डेथ हुई थी उस पर शायद ये अपने जो सोशल मीडिया अकाउंट्स है उस पर लिखा भी था बदकस्मती हमारी ये है कि हमारे माशरे में और मैं तो देखिए यहाँ तक भी कहता हूँ कि डॉक्टर जे शेरा आ, की शख्सियत इतनी हाईलाइट अगर हुई है तो ये शायद गुरु की मेहरबानी है अगर हमारे इस माशरे में होते तो हम कब के दबा चुके होते तो एक तो ये कि हमारा माशरा जो है और पाकिकूमत पाकिस्तान ने अवार्ड्स तो दिए लेकिन जो रेकग्नेशन देखिए मैंने जब उनका टाइटल लिखा था मैंने लिखा था डॉक्टर जेम शेरा पाकिस्तान का मौबत चेहरा वो एक सिपाही थे पाकिस्तान के यूरोप में जो फाइट करते थे पाकिस्तान के लिए आप उनकी ये बात ज़िंदगी से तस्दीक करवा ले किसी से कि उन्होंने हमेशा जब भी ट्रैवल किया वो पा पी आई ए के अलावा किसी फ्लाइट पर ट्रैवल नहीं करते थे वो कहते थे नहीं मैं पाकिस्तानी एक और उनकी बड़ी ज़बरदस्त बात वो जो अक्सर कहते थे कि वो बैरून मुल्क रहते हुए कभी भी जो है वो शराब नोशी नहीं इस्तेमाल करते थे कि कहीं इसकी वजह से मेरे पाकिस्तानी जो है वो इस्लामी या मुसलमान भाई उनका जो है वो नाम जो रेपुटेशन ना खराब हो उनकी नुमाइंदगी तो उन्होंने जो है वो इन चीज़ों से निकल चुके थे ज़ात पात से लेकिन ये मैं वो बल्कि उनके किसी करीबी का ये कहना था कि अगर वो शायद इंडिया में होते तो वो बहुत बड़े स्टार होते वो बहुत बड़ी शख्सियत होते। actually, मेरा सवाल यही है कि जिस तरह के फोरम पर उन्होंने पाकिस्तान के लिए इमरहान के लिए जो उन्होंने काम किया उन्होंने कोई इसमें देखा नहीं है कि मैं आ, नहीं। नहीं। कौन सा मेरा मजहब है कहा से मेरा तलक है उस लिहाज से उन्होंने जब भी प्रमोट किया पाकिस्तान को प्रमोट बिल्कुल ऐसा ही। वो पाकिस्तान ने उन्हें रिटर्न दिया एक अवार्ड की दो दफा अवार्ड लेकिन मैं समझता हूँ जो Uh, मतलब एक मिनोरिटी से, से जिसका तल्ला है तो उसको आप उस हवाले से हवाले मतलब अगर आप ओपन कर ओपन करें या उनको हाईलाइट करें तो पाकिस्तान में जो इंटरफेथ का सिस्टम uh, हम चला रहे हैं इस पर डायलाग जो हम चला रहे हैं तो उसमें ऐसी शख्सियत जो है बड़ी उस पर इफेक्टिव हो सकती है बिल्कुल सही है आपने कहा देखिए डॉक्टर जेम शेरा की अगर शख्सियत को से ये पाकिस्तानियत वाला पहलू ना हो ना तो उनकी शख्सियत का साथ ना होगी देख हम हम जब बात करते हैं बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि उनका कम्युनिटी के लिए कंट्रीब्यूशन क्या है देखिए वो हमेशा ये चीज़ कहते थे कि वो किसी भी इंसान को किसी भी आ, जो किसी भी मामले वो पाकिस्तानियत के अलावा बात नहीं करते थे और हमेशा उनका जहाँ पे भी गया शायद उन्होंने पाकिस्तान से पाकिस्तानी मसीियों से ज़्यादा पाकिस्तानी जो मुसलमान यू में रहते हैं उनके लिए ज़्यादा उनका कंट्रीब्यूशन है, है। और और देखिए मुझे बड़ी हैरत हुई और मैं मेरा शिकवा है इस पर कि जो वहाँ की कम्यूनिटीज़ हैं उन्होंने शायद इस

शख्स के लिए उन्हें मेंबर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर मिला और कहा जाता है उनके करीबी गई ये कहते हैं और बहुत सारे लोगों से उन्होंने बात करा कि अगर वो अपनी फ़िज़िकल हेल्थ की वजह से जो है वो एक्टिव रहते तो शायद वो पार्लियामेंट में और उनको सर का ख़िताब दिया जाता और वो बहुत आगे तक जाते लेकिन जो मेरी उनके साथ बात हुई जो वहाँ की जो कॉन्ग्रीगेशन है जो वहाँ के जो मुस्लिम लोग हैं जिस तरह से वो उनको अप्रिशिएट करते, करते हैं शायद पाकिस्तान का तो टेन फीसद भी उनको पता नहीं है कि पाकिस्तान में का कोई रोड इस्लामा के नाम से बिल्कुल नहीं होना देखे मेरे ख्याल में तो इस पर हकूमती सतह पर इस तरह के इकदाम होने चाहिए और जो बैठे हुए हैं उनके जो दोस्त और उनका हल्का अहबाब जो उसमें हुकूमती पर उन्हें और बहुत सारे सियासी रहनुमा जिनको उन्होंने अपलिफ्ट करने में जिनको बिल्ड करने में बहुत सारे ऐसे लोग जो हमारी इस वक्त मख्लिफ़ पोजिशन पर है अपनी कम्यूनिटी में जिनको उन्होंने फैसिलिटेट किया है मैं नाम ले सकता हूँ लेकिन उन उनको ज़रूरत है कि वो इस तरह का एक दाम करें डॉक्टर जेम्स शेरा का जो कंट्रीब्यूशन है वो खसूसी तौर पर गुजरावाला में सबसे पहले उनकी अबाई जो जन्म भूजी है भूमि है वहाँ से होना चाहिए और उसके बाद जो है वो क्लिसियाई सतह पर होना चाहिए आप जब तक अपने लोगों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे एक्नॉलेज नहीं करेंगे आप कैसे नए लोगों को आगे जो है एक, कर सकते एक सवाल आपकी जो गुस्तु से पैदा हो गया उस पर हम बात करते हैं कि देखिए इसमें आ, मेरा ख्याल है कि चलिए पहले गवर्नमेंट को तो हम भी डिस्कस करते हैं उसको हम कर लिया डिस्कस लेकिन एज ए चर्च भी ये जब आप किसी शख्स पर किताब लिखते हैं और जब उस शख्स को पता हो कि वो ये शख्स मेरी जिंदगी के बारे में तो बहुत सारे ऐसे पहलू बहुत सारी ऐसी बातें जो है वो शायद वो आपके साथ डिस्कस करते हैं जो शायद आम लोगों से ना कर सके तो उनका ये शिकवा है और ये शायद हमें भी ये इस चीज़ का एहसास है कि देखें एफसी यूनिवर्सिटी के लिए वो उन्होंने वहां से पढ़े उनकी एक पहचान है उसका कंट्री उनके लिए भी ये फ़र्ज़ है कि वो कोई ऐसा ब्लॉक ऐसा स्टूडेंट फंड ऐसा स्टूडेंट फंड ऐसी स्टूडेंट स्कॉलरशिप जो ऐसे बच्चों को जो छोटे बिल्कुल डॉक्टर जेम शेरा की तरह आगे बढ़ाए देखिए उनका हार्ट था वो हमेशा किसी भी शख्स की अगर मदद नहीं कर पाते तो हमेशा उसके लिए कोई ना कोई रिसोर्सेज ढूंढते थे तो आज हमें जरूरत है पहले हम शुरू करें और फिर हमारा डेलीगेशन हकूमती सतह पर ये काम करे कि जी हमारा एक बंदा जिसने ना सिर्फ कौमी सतह पर अपनी कम्युनिटी से हटकर अपनी कम्युनिटी को शायद पीछे रखकर उसने कौमी सतह पर आलमी सतह पर पाकिस्तान के लिए एक जो है डिप्लोमेसी की है डायलॉग किया है फाइट किया है उसकी आप श... क्या, क्या ख्याल है कि आपने उन पर किताब भी लिख रहे थे और तो कंपाइल कर रहे थे आखिरी लम्हात में थे कि उन्होंने पाकिस्तान को और दूसरी दुनिया से जोड़ने के लिए भी उनकी कोई एफर्ट सर बेशुमार बेशुमार बिल्कुल देखिए उनके एक बहुत करीबी और बड़े पाकिस्तान के नामवर जो है वो डिप्लोमेट भी रहे हैं उस्ताद भी रहे हैं डॉक्टर अकबर एस अहमद साहब वो दोनों के बारे में कहा जाता था कि वो दोनों का मज़ाह मजहब डिफरेंट है लेकिन वो दोनों भाई और वो दोनों पाकिस्तान की बात करते थे मुझे शर्फ हासिल है कि मुझे डॉक्टर जेम शेरा की बदौलत ही डॉक्टर अकबर एस अहमद से भी गुफ्तु करने का मौका मिला और बहुत सारे और लोग जिन से मैं सिर्फ डॉक्टर जेम शेरा की बदौलत जो है वो मिल सका तो वो पाकिस्तान में हमेशा और मुझे उनके यहाँ पाकिस्तानी ब्यूरोक्रेसी में जुडिशरी में बैठे ऐसे बहुत सारे लोगों से मुकालमा हुआ जो पाकिस्तान की फाइट के लिए अभी जैसे जब कोविड हुआ तो उन्होंने बहुत सारे देखिए वो वहाँ बैठे होते थे तो बहुत सारे लोगों को वो डेलीगेट करते थे रिसोर्स उनके साथ कनेक्ट करवाते थे कि इस शख्स के साथ ऐसे कर ले फंड्स के लिए पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा उन्होंने फ़ंड्स के लिए काम किया पाकिस्तान के लिए जो ग्रे लिस्ट में जब गया तो उन्होंने बहुत फ़ाइट की डिप्लोमेसी के लिए फ़ाइट की और एक वाक्य वो बताते हैं कि कैसी जो है वो बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस थी जिसमें जो इंडियन लॉबी है वो बहुत स्ट्रांग पाकिस्तान के खिलाफ बात कर रही थी तो ये बताते कि वो खड़े हो गए और उस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि आपको ये कोई हक़ नहीं पहुँचता कि आप अपने मुल्क की लॉबिंग करें अपने मुल्क की बात करें लेकिन आपको कोई हक हाँ नहीं पहुंचता कि आप मेरे मुल्क के बारे में बात करें तो वो एक ऐसा शख्स जो पाकिस्तान से पहुंचने वाले उसको आम के गिफ्ट मिलते थे तो अपनी डीपी पे लगा के इतने दिन तक सजाता था दस लोगों को बता देता था कि आईम पाकिस्तानी ए, तो इस ए, तरह एक मेरा सवाल और है कि आप क्या समझते हैं कि जैन शरा साहब अपने सारे इल्म को अपने सारे तलक को अपने सारे विजन को अपने साथ लेके चले गए या आगे किसी कहीं देखिए डॉक्टर ट्रांसफर करके बिल्कुल बहुत से मैं तो अपने अपनी के बारे में ये कह सकता हूँ कि मुझे वो बहुत हद तक नवाज के गए हैं कि ये जो मैं इस तरह से कहता हूँ किस लिहाज से कि वो हमेशा जो ना मैं बहुत सारे यहाँ पाकिस्तानी लो, लोग हैं जिनसे शायद बात नहीं करता था लेकिन वो हमेशा सिखाते थे नहीं आपने अपने लोगों के साथ मिलना है घुलना है सियासी लोगों से मिलना है मजहबी लोगों से मिलना है मिलजुल के काम करना है तो वो जो उनकी सोच थी ना वो हमेशा डॉक्टर जेम शेरा दर हकीकत इंसानों को जोड़ने वाले इंसान थे तो जब वो जो जो इंसान इंसानों को जोड़ता है ना वो हमेशा कभी भी अपने पास कुछ नहीं रखता वो अपने और देखिए मेरे मुझे याद है मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों के इंटरव्यू सिर्फ उनकी वजह से किए क्योंकि मेरे पास उन तक पहुंचने की रसाई नहीं थी मेरे पास उनके नहीं थे डॉक्टर जेम शेरा क्या करते थे मेरे मुझे कहते थे कि अयाज इसका इंटरव्यू करना है साथ ही वो नंबर देते थे और फिर उनको फोन करके बताते थे रेफरेंस देते थे कि ये अयाज मोरस हैं और ये करेंगे जब आप किसी एक शख्स को जानते नहीं उसके बारे में आप इतना एडवोकेट कर सके तो वो लोग जो उनकी खिदम से उनके साथ एक करसा गुजारा काम किया है वो बेहतर तौर पर बता सकते हैं कि डॉक्टर जेम शेरा कैसे दुनिया में नहीं है आज हम उनको डिस्कस कर रहे हैं जी जी आपका क्या ख्याल है कि ऐसी जेम शे, तो अगर कोई और जेम शेरा आता है तो चले गए तो क्या हमें एज चर्च चर्च के से जो हमारी मजहबी लीडरशिप है उसको ऐसी शख्सियत अगर कल को आगे को और भी खुदा करे को पैदा हो अच्छा यह सब एक और सवाल है जी जेम साहब तो इस दुनिया से चले गए आपका क्या ख्याल है कि पाकिस्तान का जो चर्च का प्लेटफॉर्म है मजहबी लीडरशिप जो है उसको ऐसे लोगों को उनकी जिंदगी में ही अप्रीशियट करना चाहिए या के नहीं करना चाहिए अगर करना चाहिए तो किस तरीके से करना चाहिए क्या हम करते हैं अपने लोगों को अप्रीशियेट करते हैं कि नहीं करते क्या करते हैं हम इसमें तो बिल्कुल जबरदस्त आपने ये सवाल शायद मेरे दिल का जो वो बड़े करीब है और ये मेरा नोहा है जिसको मैं हर जगह ये बयान करता हूँ देखिए पाकिस्तान में सत्तर सालों में एज अ क्रिश्चन चाहे वो चर्च है समाजी रहना हमने तीन काम नहीं किए नंबर वन हमें पता ही नहीं कि हमारा बंदा कौन कहाँ क्या और कैसे काम कर रहा है किसी भी फील्ड में ले लें हम बहुत कम है किसी के पास होगा तो उसको अपनी कलिसिया का तक महदूद होगा किसी के पास होगा तो वो अपने उसके आ, उसके पास नहीं। जिसको आज की दुनिया में कहते हैं डेटा आपके पास डेटा नहीं है दूसरी चीज़ ये है कि हमने अपने लोगों को इक्नॉलेज नहीं किया किसी भी सतह पर ना हमारे घरों पर ना हमारी कम्युनिटी की सतह पर ना हमारे चर्चिस पर ना हमारी कौमी सतह पर कौमी हमने लोगों को एक्सेप्ट नहीं करते और अपने लोगों को तो बिल्कुल भी नहीं और ये आप मेरी बात से जो भी अगर इतलाफ करना चाहे मैं उस पर डिबेट कर सकता हूँ क्योंकि क्यों क्या देखें आपके लोग हैं उसमें दस बुरैयाँ होगी उनके नेगेटिव पॉइंट्स भी होंगे इंसान हैं और यही लोग हैं वहां अभी भी जो हमारे लोग काम कर रहे हैं ये यही लोग रहेंगे को बाहर से गोरे नहीं आएंगे तो इसलिए इन लोगों के साथ चैलेंजेस हैं प्रॉब्लम्स हैं लोगों के साथ जब भी आप काम करेंगे लोगों में चैलेंजेस प्रॉब्लम मसायल रहेंगे तो इसलिए आपको एक्सेप्ट करना होता है अपने लोगों को एक्नॉलेज करना होता है बैक करना होता है और उनको एहसास दिलाना होता है हमारी हमारा माशरा ही ऐसा है कि हम जीते जी मुंह नहीं देखना चाहते और जब मर जाता था, फिर उसके मुंह देखने के लिए, लिए होते हैं ठीक है तो हमारे यहाँ ये एक्नोलेजमेंट का रवाज ही नहीं है अच्छा मुझे अगर लगेगा कि मैं डॉक्टर जेम शेरा की जिंदगी में या आपकी जिंदगी में आपके बारे में बात करूंगा तो दस लोग मुझे कहेंगे ये तो उसका चमचा है ये तो जो है वो उससे मुफाद लेता है लेकिन इंसानों को इंसानों की जरूरत होती है मेरे दादा मेरी जिंदगी के सबसे बड़े मैंटोर थे वो आज अगर मैं यहाँ पर हूँ तो उनकी वजह से वो कहते थे बंदे नू कंधा दी नहीं कंधे दी जरूरत होती है इंसान इंसानों से होता है तो जब आप इंसानों को अप्रिशिएट नहीं करते सबसे पहले काम होता है घर से शुरू आप घरों में आपको इक्नोलेज नहीं किया जाता फिर आपकी चर्च की सतह पर यह है आप फॉर्मेलिटी नहीं करें तीसरा काम हमने किया है कॉम्पिटिशन से बाहर निकल आएं कोलेबोरेशन करें एक दूसरे के साथ मिलें और जो जो आप में खूबियाँ हैं जो आपके पास रिसोर्स हैं वो मेरे पास नहीं है जो मेरे पर पर पास है वो आपके पास नहीं है तो हम मिलकर जो है वो इन चीज़ों को कंपटीशन करें देखिए ये जो कम्युनिटी का जो पहले वाला जो ना अगर हम इब्तदाई डिब्लिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जो इब्तदाई क्लिसियाँ क्या थी जिनके पास रिसोर्स थे वो डेलीगेट करते थे दूसरों के साथ आप वरना अपनी ये जिस तरह की मशीन अपनी दुकान आपकी चलती रहेगी लेकिन आप बड़ा इम्पैक्ट नहीं करेंगे अगर आप चाहते हैं कि हम अपने लोगों को ठीक एक्नॉलेज करें तो हमें शुरू करना होगा आज से ऐसे लोगों को अप्रीशिएट करना होगा और जो चैलेंजेस हैं उनको मिलके जब तक हम कलेबोरेट नहीं करेंगे हम इसी तरह से मार खाते रहेंगे और शिकवा करते रहेंगे कि जब लोग इस दुनिया से चले जाएंगे, जाएंगे फिर उनके बारे में ये है नहीं है ना देखिए देखिये शुरू करना पड़ेगा ये सब ये नहीं आज देखिये आज हमने ये इस सिलसिले की रिवायत शुरू कर दी है हमने एटलीस्ट देर आए दुरुस्त हमने ये सिलसिला शुरू किया और मैं अपनी जात तक मैं अपनी जात के बारे में कहता हूँ जो लोग आपकी जिंदा में जिंदा है उनको अप्रिशिएट करें उनको एक्नॉलेज करें देखिए मर जाएगा फिर आप फूल और तो जबरदस्ती मैं उसको कहता हूँ लोग कहते हैं ना जबरदस्त खराजे मैं उसको कहता हूँ जबरदस्त नहीं वो जबरदस्ती नहीं खराज तहसीन पेश करते दिल में आता हो मेरे भी आता है मैं सोचता हूँ कि क्या कभी अब्दुल पैदा होगा हम मसीही कौम में से भी तो ऐसा पॉसिबल है कि अब्दोस्तार यदि मेरा मतलब अब्दोस्तार यदि से मतलब ये है कि इस, इस तरह की जिंदगी को देखिए डेडिकेशन कब डेडिके आती डेडिके है डेडिके. डेडिकेशन कब आती है मैं इसका बड़ा मेरा एक जुमला है मैं क्योंकि मोटिवेशनल स्पीकर हूँ तो लोग कहते हैं जी मोटिवेशन मैं कहता हूँ हमारा मसला मोटिवेशन नहीं है हमारा मसला रोटिवेशन और सोटिवेशन हम बुनियादी तौर पर उन चीजों से अभी तक बाहर नहीं निकले कि हमारी रोटी कहां से खानी है हमने क्या तो जब इन चीजों में हम जकड़े होंगे तो हम कैसे अपने बच्चों को बड़ा विजन देंगे तो ये घरों से शुरू करने की बात जब आप अपने बच्चे कहते हैं तू करेंगे यू डिस्क्रिमिनेट दैट चाइल्ड एट वेरी मोमेंट यू हैव टू अपलिफ्टेज यू हैव टू गिव दैम मॉडल यू हैव टू अप्रीशियेट दैम यू हैव टू एनकरेज दैम ठीक है क्या होगा बेटा नहीं आप बहुत कुछ नहीं आप अपने मोहल्ले बिल्कुल आप, आप देखें इनकरेजमेंट करें ना बच्चों बिल्कुल मैं इसको ना या सब आप इसको अप पे लेके आते हैं छोटे मैंने सवाल करने इसका जवाब भी छोटा चाहिए एक तो मैं चाहूंगा कि आप जेम्स शेरा साहब की फैमिली को कुछ एडवाइस करें जैसे अभी आपने कहा है कि एफ सी कॉलेज में कोई वजीफा या इस टाइप की कोई ऐसी चीज के जिससे जेम्स शेरा का ये क्योंकि सबसे पहली जिम्मेदारी उसकी इमीजिएट जो फैमिली है उस पर जिम्मेदारी देखिए और फिर उसके बाद मेरी आएगी या कम्युनिटी भी आएगी तो मैं ये समझता दूँ कि आप दो तीन लाइनों में उनको क्या एडवाइस करना चाहेंगे उसकी इमीजिएट फैमिली को कि वो क्या करें कि जेम्स चेरा का नाम एक लंबे अरसे तक जिंदा देखिए मेरे ख्याल में मैं शायद इस पोजीशन में नहीं कि मैं फैमिली को एडवाइस कर सकूँ लेकिन मेरी एक ख्वाहिश ये है कि उनके खानदान को एटलीस्ट ये करना चाहिए कि उनके नाम पर कोई ना कोई ऐसा फंड या स्कॉलरशिप या कोई ना कोई ऐसा सालाना प्रोग्राम जो एक टिपिकल हमारे यहाँ बरसी होती है उससे हटकर कोई ऐसा उनकी याद में जो है वो किया जाए जो हर साल उनको ऐसा काम करने वालों को डॉक्टर जे शेरा की ज़िंदगी पर उनकी तर्ज पर काम करने वालों को एप्रिसन डॉक्टर जेम शरा एवॉर्ड किस्म का जो है वो हो सकता है और फिर मेरा जो है वो कंसर्न है हकूमती सतह पर मैं ज़्यादा उस पर फोकस करूँगा कि फॉरेन ऑफिस को इस पर चाहिए कि वो काम करें डॉक्टर जेम शेरा की जो खिदमत हैं वो फॉरेन ऑफिस में और जो लोग हैं उन पर हों और उन्हें केस स्टडी बनाया जाना चाहिए कि किस तरह से पाकिस्तान में रहते हुए बा, पाकिस्तान से बाहर जो है वह पाकिस्तान के लिए एज अ ब्रांड एम्बेसडर आप पाकिस्तान का काम कर सकते हैं तो हैज़ डन लॉट आई थिंक के आप उनकी फैमिली को उनके चर्च को हम सब को और सबसे बढ़कर हुकूमत को इस सतह पर जो है वो काम करने की ज़रूरत है कि वो उनका जो नाम है उनकी लेगेसी है उसको कंटिन्यू रखें याद मोहरद साहब थैंक यू सो मच आपका हमारे स्टूडियो में नेशनल न्यूज़ ड्रामा के आने का बहुत बहुत शुक्रिया और एक आपकी सारी गुफ्तु का और आपका सारा जेम शर साहब का जो ट्रब्यूट पेश करना हम आपके इंतईम मशहूर है नाजिम हम बहुत शुक्रगुजार हैं याज मोहरद साहब के एक वो कराची से स्पेशली आए इस सारे प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग के लिए और आज एक दफ़ा फिर उनका शुक्रिया और जेम शेरा साहब जैसी शख्सियत पाकिस्तान में मसी कौम में पैदा होती रहे और मसीह कौम इसी तरह आगे बढ़ती रहे तरक्की करती रहे बहुत शुक्रिया